हेलो बच्चों, माय नेम इज़ धीरज कुमार और धीरज सर की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुमार मित्तल किताब के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक प्रत्येक न्यूमेरिकल को विद डिटेल में समझाएंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कोई भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो उस न्यूमेरिकल से आप राशि को पहचानेंगे कैसे कि किसका मान दिया हुआ है, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी रहती है बच्चों के सामने। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि संख्या को हमें पहचान राशि को हमें पहचानना कैसे है कि हमें न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, क्योंकि अगर हमें इतना पता कर लेंगे तो डेफिनेटली उस न्यूमेरिकल को हम सरलता से सॉल्व कर लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए धीरज सर की क्लासेस। तो सबसे पहले जैसे n इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी दी हुई है तो भी वह n का मान होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है तो भी वह n का मान होगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता दी हुई है तब भी वह n का ही मान होगा। q कूलाम लिखा है या माइक्रो कूलाम लिखा है तो वह q का मान होगा। और ये लिखा होगा संख्या के पीछे, जैसे ये लिखा है 20 कूलाम तो ये डेफिनेटली किसका मान हो गया, 20 कूलाम। ऐसे लिखा है 25 माइक्रो कूलाम तो 25 माइक्रो कूलाम ये भी किसका मान हो गया, क्यू का मान हो गया। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे। तो क्यू बार आप क्यू को अगर पहचानना है तो मात्रक क्या लिखा होगा, कूलाम। आर इसका मात्रक लिखा होगा मीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर भी लिखा हो सकता है, जैसे 10 सेंटीमीटर तो हम पहचान लेंगे ये स्मॉल आर का मान है। 12 मीटर हम पहचान लेंगे ये आर का मान है। एफ न्यूटन, अगर न्यूटन लिखा हुआ है न्यूमेरिकल संख्या का मात्रक, अगर न्यूटन लिखा हुआ है तो वह किसका मान होगा, एफ का मान होगा। जैसे जैसे लिखाओ 25 न्यूटन तो डेफिनेटली किसका मान होगा, एफ का मान होगा। ई न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, अगर न्यूटन प्रति कूलाम लिखा है तो वह डेफिनेटली ई का मान होगा। जैसे ये लिखा हो 25 न्यूटन प्रति कूलाम तो 25 न्यूटन प्रति कूलाम किसका मान हो गया, ई का मान हो गया। पी जिसे बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण का कूलाम इंटू मीटर, अगर कूलाम इंटू मीटर लिखा हुआ है तो हम पहचान लेंगे कि वह किसका मान है, पी का मान है। टाओ इसका मात्रक लिखा होगा न्यूटन इंटू मीटर तो हम इसे पहचान लेंगे कि ये टाउ का मान है। जैसे लिखा हो 50 न्यूटन इंटू मीटर तो हम पहचान लेंगे कि 50 जो है वो किसका मान है, टाउ का मान है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट चैप्टर के, जिसका नाम है कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र के, प्रत्येक न्यूमेरिकल में दी हुई भौतिक राशि को पहचान सकते हैं कि दिया गया मान किस भौतिक राशि का है, किस भौतिक राशि का है। तो सबसे पहले हम पहला न्यूमेरिकल करते हैं फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। तो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश न दिया हो तब भी हमें मालूम है कि उस पर आवेश जो है वो कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है, और एन अल्फा कण कह रहा है इसमें,
तो अल्पा कण हीलियम नाभिक होता है 2He4, और हीलियम नाभिक होने के कारण इसमें एन का मान कितना है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, तो ये दो, क्यों हमें ज्ञात करना है। हल, वैद्युत आवेश के सूत्र से, वैद्युत आवेश के सूत्र से, सूत्र से Q बराबर एन ई, एन की वैल्यू पुट करेंगे, E का मान रखेंगे और 10^-19, तो ये हो जाएगा 3.2 10^-19 कूलाम। तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया कि ये कितना है, 3.2 10^-19 कूलाम। दूसरा न्यूमेरिकल है, दूसरा न्यूमेरिकल है, एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है। दूसरा Q बराबर 1.0 कूलाम, तो देखो पीछे मात्र कूलाम लिखा है, इससे हमने पहचान लिया ये Q का मान है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों, इसमें सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पूछ रहे हैं, ये n पूछ रहे हैं। E का मान हमें मालूम है 1.6 10^-19 कूलाम लिखना है। तो अब यहाँ पर हम हल, सबसे पहले यहाँ दिया है, हल लिखेंगे वैद्युत आवेश के सूत्र से, आवेश के सूत्र से Q बराबर एन ई, तो n बराबर Q अपॉन E, और Q का मान कितना है 1.0 और E का मान 1.6 10^-19, तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर हटा देंगे हम, तो 10y16 बचेगा, 19 ऊपर ले जाएंगे, प्लस की घात हो जाएंगी, और एक घात यहाँ से कम कर देंगे, तो यहाँ 100 कर लेंगे, बट्टे 18 10^ हो जाएंगे, कितने 18, 16 का इसमें भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 6.25 10^18। तो इस तरीके से ये निकला है एन, 6.25 10^18। तो इस तरीके से हमने दूसरा, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता इसलिए हमने यहाँ पर मात्रक नहीं लिखा, तो इस तरीके से दूसरा न्यूमेरिकल भी हमने प्रॉपर तरीके से कर लिया। अब तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, तीसरा न्यूमेरिकल है, एक चालक पर 2.4 10^-18 कूलाम धन आवेश है। तो एक चालक पर Q बराबर 2.4 10^-18 कूलाम, 18 कूलाम धनावेश है, ठीक। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, तो धनावेश है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो n हमें ज्ञात करना है, E का मान 1.6 10^-19 कूलाम दिया है। सूत्र, हल लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत आवेश के सूत्र से, वैद्युत आवेश के सूत्र से Q बराबर n, n हमें ज्ञात करना है, तो इसे लिख लेंगे Q अपॉन E, Q का मान रख देंगे 2.4 10^-18, E का मान रख देंगे 1.6 10^-19, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 24/16 बचे, 10^-19 ऊपर ले जाएंगे, तो ये प्लस की हो जाएंगे, 18 कम कर देंगे, तो 10^1 बचेगी, यानी ये हो जाएगा 240/16, इसका इसमें भाग दे देंगे, तो लगभग आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्योंकि अधिक धनावेश था, तो धनावेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो n का मान कितना निकल आया,
15, और ये 15 क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब हम चौथा न्यूमेरिकल करेंगे इसी सीरीज में। किसी वस्तु को 4.8 10 पे घात -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए, तो Q बराबर इसमें दिया हुआ है 4.8 10 पे घात -19 कूलाम, 10 पे घात -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तो एन हमें ज्ञात करना है, ई का मान 1.6 10 पे घात -19 कूलाम। तो यहाँ हल लिखेंगे विद्युत आवेश के सूत्र से, 1.6 बराबर लिखेंगे, यानी एन हमें ज्ञात करना है, तो इसे लिख देंगे क्यू अपॉन ई। तो Q का मान रखेंगे 4.8 10 पे घात -19, E का मान रखेंगे 1.6 10 पे घात -19, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ये बचेगा 48/16। तो N बराबर कितना हो जाएगा, 16 × 3 = 48, N बराबर आ गया 3। और यहाँ पर इस सवाल में कह रहा था धनावेशित करना है, तो यहाँ पर भी होगी इलेक्ट्रॉनों की कमी, यहाँ पर भी होगी इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी अगर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, और अगर ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, जो कि थ्योरी में बताया था हमने। पांचवा न्यूमेरिकल है, 7N14 नाभिक पर कूलाम में धनावेश की गणना कीजिए। देखो इन्होंने ये दे रखा है 7N14, तो अभी हमने बताया था 2He4 के अकॉर्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने थे इसमें, 2, तो N का मान हमने 2 रखा था, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, तो N का मान कितना रखेंगे 7। तो दिया है N बराबर 7, और E का मान हम जानते हैं 1.6 10 पे घात -19 कूलाम। तो इसमें हमें Q ज्ञात करना है, तो विद्युत आवेश के सूत्र से, विद्युत आवेश के सूत्र से, तो इसे लिखेंगे Q बराबर एनी, N का मान रखेंगे 7, इसे 1.6 10 पे घात -19 कूलाम, इसे गुणा कर देंगे 16 × 2 = 11 10 पे घात -19 कूलाम। तो इस तरीके से हमने पांचवे का आंसर भी निकाल लिया, और ये निकल आया 11.2 10 पे घात -19 कूलाम। अब हम छठा देखते हैं। छठवां है, किसी चालक किसी आवेश पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो n बराबर इसमें दिया हुआ है n बराबर 1500 है, उस चालक पर उपस्थित आवेश की गणना कूलाम में कीजिए। तो आवेश की गणना करनी है हमें, तो E बराबर 1.6 10 पे घात -19 कूलाम Q ज्ञात करना है, हल विद्युत आवेश के सूत्र से, विद्युत आवेश के सूत्र से Q बराबर एनी, एन का मान 1500, 1.6 10 पे घात -19, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 घात हैं, 2 जीरो ये हैं, तो यहाँ से 2 घातें कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15
और ये 1.6 और 10 पे घात माइनस बचेंगी 17, 15 छक्के 90 की जीरो वहाँ से लेख 15 एकम 15, 15 और 9 24 पॉइंट यहाँ लग जाएगा 10 पे घात माइनस 17। अगर हम इसे लिखें तो प्रॉपर तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं 2.4 10 पे घात माइनस 16 कूलाम, 16 कूलाम। और भी इसमें कुछ पूछ रहा है? नहीं, इतना ही पूछ रहा है। तो 2.4 10 पे घात माइनस 19 16 कूलाम निकल आया। अभी हम यहाँ पर सातवां न्यूमेरिकल करेंगे। तो सातवां न्यूमेरिकल है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो दिया है n बराबर 500 और e बराबर 1.6 10 पे घात माइनस 19 कूलाम। q ज्ञात करना है हमें, तो यहाँ सूत्र लिखेंगे वही वैद्युत आवेश के सूत्र से। वैद्युत आवेश के सूत्र से, तो वैद्युत आवेश के सूत्र से तो क्यू बराबर लगाएंगे एन ई, एन का मान रख देंगे 500, 1.6 10 पे घात माइनस 19, 16 × 5 = 80। पहले ये दो घाते इससे कम कर देंगे तो 5 × 1.6 10 पे घात माइनस 17 बचेंगे। 16 × 5 = 80 यानी 80 पॉइंट, एक अंक बाद एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे और 10 पे घात लिख देंगे 17 कूलाम। तो इस तरीके से हमने सातवें क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लिया। तो इस तरीके से हमारे सात न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना, जिससे हम आगे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए इसी तरीके से बनाते रहें। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।